टॉलीवुड प्रिंस ने बॉलीवुड के किंग को टक्कर देने से किया मना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महेश बाबू की अपकमिंग फिल्म स्पाइडर की। वेल, आपको बता दें, ये मच अवेटेड एआर मुर्गादॉस डायरेक्टोरियल वेंचर इस अगस्त बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने के लिए तैयार थी। पर दूसरी तरफ इम्तियाज अली की शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा स्टारर रहनुमा भी अगस्त में रिलीज के लिए तैयार है। इसीलिए रहनुमा से क्लैश अवॉइड करने के लिए अब स्पाइडर दशहरा पर रिलीज होगी। और इस बात को कंफर्म करते हुए महेश बाबू ने ट्वीट किया, स्पाइडर विल कम टू यू दिस दशहरा, लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड विद द फर्स्ट ग्लिम्स ऑन May 31st एट 5 PM। मतलब किंग खान से कतई क्लैश करना नहीं चाहते महेश बाबू। स्पाइडर के इस डेट पोस्टपोनमेंट के साथ रहनुमा को बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देने के लिए अब कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें।